उधर चंदौली में सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले हंगामा भी देखने को मिला। यहां मुख्यमंत्री की रैली में ज्ञापन देने जा रहे सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक हो गई। यहां सपा नेता पुलिस के साथ दो दो हाथ करते नजर आए। पुलिस के हल्का बल प्रयोग करने पर जमकर हंगामा भी हुआ और भगदड़ भी मच गई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले जो हंगामे की तस्वीरें दिखी वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं जो कि ज्ञापन देने का प्रयास कर रहे थे सीएम के आने पर, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोकने की जब कोशिश की तो किस तरह से पुलिस को ही पहले खदेड़ने की कोशिश की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस से ही दो दो हाथ करने के मूड में नजर आ रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता काफी संख्या में पहुंचे थे कार्यक्रम स्थल के पास, और जब पुलिस ने उन्हें वहां रोकने का प्रयास किया तो किस तरह पुलिस से ही धक्का मुक्की होने लगी। इसके बाद पुलिस ने भी हल्के बल का प्रयोग किया और इसी से नाराज होकर समाजवादी पार्टी के नेता धरने पर बैठ गए। बढ़ेंगे आगे। यूपी चुनाव को लेकर व्यापारी वर्ग पर सियासी दलों की नजर है। इसी के चलते लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी ने व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा। इससे पहले वे पत्रकारों से भी मुखातिब हुए थे। उस दौरान उन्होंने युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाया था और चुनावों में व्यापारी वर्ग को साधने के लिए ये सम्मेलन रखा गया। व्यापारी वर्ग पर सभी पार्टियों की नजर है। आज ये कार्यक्रम समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया। जितने व्यापारी साथी उपस्थित हैं, ये बाजार में रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं, लोगों से सीधा सीधा संपर्क है, और जिस समय व्यापारी मन बना लेता है, उसके बाद सरकार का पता नहीं लगेगा दूसरी सरकार कौन है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने गठबंधन की सहयोगी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की साइकिल यात्रा को रवाना किया। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई और सरकार बनाने का दावा भी किया। समाजवादी पार्टी और गोंडवाना पार्टी के तमाम नेता पार्टी के साथ मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए संकल्प लिया और उसी के लिए यात्रा पर निकले हैं। मुझे उम्मीद है कि इनका समाज जागरूक समाज होकर के भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति को बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की राजनीति को बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी बेरोजगारी बढ़ाई, भारतीय जनता पार्टी ने किसान को दुखी किया, भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक रूप से प्रदेश और देश को कमजोर किया, भारतीय जनता पार्टी ने हर जाति समाज के बीच में खाई पैदा की, इन तमाम चीज़ों को लेकर के गोंडवाना जनसंदेश जनता के बीच में यात्रा पर निकले हैं। हमें उम्मीद है कि इनके साथ आने से इनके समाज और इनके दल का बड़े पैमाने पर सहयोग मिलेगा।